एक्स स्क्वायर वी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो का मूल एम इज टू एन में होने का शर्त। द कंडीशन इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर वी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो इज द रेशियो एम इज टू एन। यहां पर जो है इस कंसेप्ट का हम लोग या कह सकते हैं इस ट्रिक का यूज वहां पर करेंगे, जैसे क्वेश्चंस में कहा जाएगा 3:4, 4:5, 2:3 etc। इस कंसेप्ट में हम लोग यूज करेंगे। ऐसे स्टेटमेंट ये कहा जा रहा है, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है एक्स स्क्वायर वी एक्स प्लस सी इजकल टू जीरो के मूल जो है एम इज टू एन के अनुपात में है। तो यहाँ हम लोगों को ये मेमोरी में रखना है, एम एन वी स्क्वायर इक्वल टू एम प्लस एन का होल स्क्वायर ए सी। इस कंसेप्ट को मेमोरी में यहाँ हम लोगों को रखना है। अब इस कंसेप्ट का हम एग्जाम्पल दे रहे हैं। द्विघात समीकरण 2x² 3x प्लस लैम्डा इक्वल टू जीरो का मूल 3:2 में है तो लैम्डा का मान निकाले। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x² 3x प्लस लैम्डा इक्वल टू जीरो इज द रेशियो ऑफ 3:2। यहां हमने क्वेश्चंस लिखा है, द्विघात समीकरण 2x² प्लस 3x प्लस लैम्डा इक्वल टू जीरो का मूल 3:2 में है तो लैम्डा का मान निकालना है। यहाँ ए का वैल्यू जो होता है ए एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, तो ए के जगह पर 2 गिवेन है। वी एक्स का गुणांक होता है तो एक्स का गुणांक यहाँ 3 है और कांस्टेंट टर्म जो है वह लैम्डा है। अब ये सभी वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे, एम एन वी स्क्वायर इक्वल टू एम प्लस एन का होल स्क्वायर ए सी में एन एम एन वी स्क्वायर इक्वल टू एम प्लस एन का होल स्क्वायर ए सी। एम और एन का जो वैल्यू है 3:2 है तो यहाँ पर 3 को एम के जगह रिप्लेस करेंगे और एन के जगह पर 2 को, तो 3 2 जा 6 है।
वी का वैल्यू 3 है, 3 का होल स्क्वायर 9, 3 प्लस 2 5, 5 का होल स्क्वायर 25 होता है। ए का वैल्यू यहाँ पर जो है 2 है और सी का वैल्यू लैम्डा है। इस 2 से हम 6 को 3 टाइम्स काट देते हैं तो 25 लैम्डा इज इक्वल टू 27, देयरफॉर लैम्डा इज इक्वल टू 27/25। चलिए रहने दीजिए।